हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर्स एकेडमी। हम यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर फिजिक्स का उस पर जो लेसन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और आज हम जिस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एरर इन जजमेंट। ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में ये जो तीन शब्द हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और जो मेजरमेंट में एरर होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर की। एरर क्या होती है या गलती क्या होती है, ये बहुत ही आसान सी टर्म है। जैसे मान लिया कि आपको कोई डायमेंशन है, 10 मीटर की डायमेंशन, उसको मेज़र करना है। अब आपने मेज़र किया और मेज़र करके बताया साहब ये 9 मीटर है, तो कितनी एरर होगी, बहुत आसान है, 1 मीटर की एरर हो गई। एक दूसरे आदमी ने मेज़र किया, उसने पाया कि साहब ये 9.5 मीटर है, तो उसने कितनी एरर की, 0.5 मीटर की एरर की। तो इस तरीके से जो एक्चुअल मेज़रमेंट है और जो हम एक्चुअल जो डायमेंशन है किसी चीज़ का और जो हम मेज़र करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो हम मेज़र करते हैं वो हमारे जो एक्चुअल जो उसका डायमेंशन उसके कितना क्लोज है। कहने का मतलब ये है कि अगर एरर कम है तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चीज़ में हम ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें एरर उतना ही कम है। तीसरी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जो मेज़रमेंट है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। क्या हम मीटर में मेज़र कर रहे हैं, क्या हम सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं, क्या हम मिलीमीटर में मेज़र कर रहे हैं, या मिलीमीटर से भी छोटी डायमेंशन में मेज़र कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये जो हम मेज़रमेंट है ये बहुत प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो हम बहुत ही ज़्यादा उसमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रिसीजन जो है वो बेसिकली जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रिजोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा हमारा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना ज़्यादा उसका रिजोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा प्रिसीजन से हम चीज़ों को मेज़र कर पाएंगे। अब रिजोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अब जैसे कि हमने एक स्केल देखी, अब आपके सामने जैसे ये स्केल है, अब स्केल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो सबसे जो छोटा मेज़रमेंट हम इससे कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर का कर सकते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। तो इस तरीके से जो इसका रिजोल्यूशन हुआ 1 मिलीमीटर हुआ। लेकिन आप नीचे साइड में अगर आप जाते हैं तो उसमें देखिए बहुत ही छोटे छोटे खाने हैं और वो मिलीमीटर से भी छोटे हैं। तो इस तरीके से अगर मिलीमीटर से भी छोटे, हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम आधा मिलीमीटर भी उसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। अब आप दूसरे, हम जैसे एक वेइंग मशीन को देखते हैं, वेइंग मशीन जो है जिसके अंदर आप देखते हैं कि इसमें जो रीडिंग आपको दिखाई दे रही 0.00, अब ये 0 किलोग्राम में है। इसका मतलब कि जो 0.00 है, इसका मतलब कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक इसमें हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि 1 किलो के जो 100 पार्ट है उसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर इसी में मान लिया 0.000 होता तो इसका मतलब ये है कि हम एक तीसरे पॉइंट या ग्राम के लेवल पे इसको मेज़र कर सकते थे। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जितने डेसिमल के पॉइंट तक या जितने ज़्यादा हम दूर तक मेज़र कर पाएंगे उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा। कई बार लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि जो एक्यूरेसी है और जो प्रिसीजन है ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये ठीक है कि अगर हमारे पास में ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये दो टर्म्स अलग अलग हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कि मान लिया कि एक कोई डायमेंशन है जो आपको मेज़र करना है, वो डायमेंशन है 3.678 सेंटीमीटर। अब ये जो है हमने 2 इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया। जो पहला इंस्ट्रूमेंट था उसका जो रिजोल्यूशन है वो है 0.1 सेंटीमीटर, और जिससे हमने मेज़र किया इसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा है, 0.01 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे जब हमने मेज़र किया तो हमारा जो डायमेंशन आया 3.38 आया। तो आपने देखा कि जो पहला वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो एक्यूरेसी है ज़्यादा है, क्योंकि जो उसमें एरर है 3.5 और 3.678 का वो कम है, जबकि दूसरे केस में जो एरर आ रहा है 3.38 का डिफरेंस और 3.678 का डिफरेंस वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की तो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसमें एरर कम है। लेकिन जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं तो जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर के 1/100 पार्ट को भी मेज़र कर सकता है, जबकि जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 1/10 सेंटीमीटर को मेज़र कर सकता है। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो प्रिसीजन है और जो एरर है ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो सकता है लेकिन हो सकता है कि उसमें एरर ज़्यादा हो, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि प्रिसीजन कम हो लेकिन उसमें एरर कम हो सकती है। देखिए, जब हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं तो वो मेज़रमेंट में थोड़ी बहुत एरर रह जाती है। अब ये एरर देखिए 2 तरीके से होती है।
एक को हम कहते हैं सिस्टमिक एरर, दूसरे को हम कहते हैं रैंडम एरर। सिस्टमिक एरर ये होता है कि जो बार बार एक ही डायरेक्शन में, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है तो कम हो रहा है, उसको हम सिस्टमिक एरर कहते हैं। सिस्टमिक एरर जैसे जो पहले टाइप की सिस्टमिक एरर है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, लेकिन थर्मामीटर को जब सेट किया गया तो उस समय क्या हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया गया। तो जब वो 102 पे सेट किया गया है तो वो डेफिनेटली जितने भी आप मेजरमेंट करेंगे वो बढ़ा करके बताएगा, तो आपकी जो भी इरर आएगी वो इंस्ट्रूमेंट की इरर होगी, क्योंकि वो सही तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया गया है। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई वर्नियर कैलिपर्स है, या मान लिया आपकी और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपने ठीक से उसका कैलिब्रेशन नहीं किया हुआ है, और उसका जीरो जो है और जो उसका मेन पॉइंट है वो मैच नहीं करता है, तो भी आपकी इस तरीके की इरर आएगी। अब मैं आपको जैसे वर्नियर कैलिपर्स की एक इरर को एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए, वर्नियर कैलिपर्स जो है, जैसे कि हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि तीन डिफरेंट टाइप के कैलिब्रेशंस हैं। पहला जो कैलिब्रेशन है उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है वर्नियर कैलिपर्स में, क्योंकि देखिए जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, इसके दोनों जीरो एक दूसरे के साथ में मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। जब मेन स्केल का जीरो जीरो पे है तो वर्नियर स्केल का जीरो भी जीरो पे है, इस वजह से इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे केस में जाते हैं तो उसमें आप देते हैं कि जीरो एरर पॉजिटिव साइड में है। क्यों पॉजिटिव साइड में है? क्योंकि यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का जो और मेन स्केल जो है वो तीन पे जो है वो मैच कर रहा है, तो इस तरीके से इसमें जो एरर है वो प्लस 0.3 की है। जब हम तीसरे एग्जांपल को देखते हैं तो उसमें एक निगेटिव एरर आपको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जब आठ जो पॉइंट है जो वर्नियर स्केल का, उस पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, और इस तरीके से जो इसमें एरर है वो -0.8 की है। तो आपने देखा कि अगर ये जीरो जीरो जो है एक साथ मैच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव या साइड निगेटिव साइड में एरर होगी, और उसके बाद में हम जब भी कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा, या तो एक्चुअल मेजरमेंट से कम होगा या एक्चुअल मेजरमेंट से ज़्यादा होगा। दूसरी जो सिस्टमिक एरर होती है वो होती है जब हम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो हमारी है उसके अंदर ही कुछ इम्परफेक्शन हो। सपोज करिए कि आप साउंड की स्पीड मेज़र कर रहे हैं, अब अगर साउंड की स्पीड आप मेज़र कर रहे हैं और उसके अंदर हवा चल रही है, तो जब हवा चलती है तो आपको मालूम होगा कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउंड की स्पीड कम होगी। तो अगर आपने इस चीज़ को फैक्टर नहीं किया हुआ है, या हवा की स्पीड आपने सही तरीके से मेज़र नहीं की हुई है, तो उसमें एक एरर आ जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारी, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर आप मेज़र कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर में प्रॉब्लम आ गई, तो आपका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो सही नहीं आएगी। अब दूसरा जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मान लिया थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से हम किसी भी व्यक्ति का जब टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो उसको जीभ के नीचे रखते हैं, लेकिन अगर जीभ के नीचे नहीं, मान लिया उसको आर्म पिट के नीचे रखा जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसका टेम्परेचर कम आएगा। तो इस तरीके से ये जो एक मेज़रमेंट है, इसमें कैसे आप मेज़र करते हैं उसमें एक डिफरेंस आ सकता है, और इसको हम कहते हैं कि इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। अब तीसरी जो टाइप की एरर होती है जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरर्स, इसमें देखिए कई लोग की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जैसे मान लिया वो कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं, मान लिया कि स्केल है इसको मेज़र कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ऊपर से देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नीचे से देखते हैं। कायदे से आपको एग्जैक्टली अगर आंखों के बराबर आप ला करके उसको देखें तो एग्जैक्ट आप मेज़रमेंट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको नीचे से देखेंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा वो कम दिखेगा। तो ये जो एरर है, ये जो हमारी लोगों की टेंडेंसी होती है, इससे जो एरर होती है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। तो इससे भी एक कॉन्स्टेंटली एरर आता है। अब जो सिस्टमिक एरर है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं ये हमें समझना होगा। तो एक तो देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो है वो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसको बेटर रखें। अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमारी बेटर होगी, या हम इंस्ट्रूमेंट बेटर इस्तेमाल करेंगे, या हम जो पर्सनल बायसेस हैं, जो पर्सनल जो मिस्टेक्स हैं उसको हम कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली जो है हमारा जो मेज़रमेंट है वो बेटर हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से देखा कि तीन तरीके की सिस्टमिक एरर हो सकती हैं, और उसी तरीके से सिस्टमिक एरर के अलावा जो दूसरे टाइप की एरर होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम एरर। अब ये जो रैंडम एरर होती है इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मान लिया कोई एक इंस्ट्रूमेंट है उसको चार लोग देख रहे हैं, या कोई ऐसा आदमी है जो उसको मेज़र करता है, कभी ऊपर से देखता है, कभी नीचे से देखता है, कभी बराबर से देखता है, तो वो जो एक चीज़ है जो कि एक सिस्टमेटिक नहीं है, बल्कि एक आदमी की एक तरीके से देखा जाए रेस्टलेसनेस है, या आदमी का एक फोकस नहीं है उसके अंदर, उसकी वजह से अगर वो एरर आ रही है तो वो एक तरीके से रैंडम एरर होती है। दूसरा देखिए रैंडम एरर क्या होती है कि मान लिया कि आप कोई चीज़, मान लिया आप किसी डेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं तेल की, अब तेल की डेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं और डेंसिटी की मेज़र करते करते टेम्परेचर डाउन हो गया या टेम्परेचर अप हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि डेंसिटी आपकी एक्यूरेट नहीं जाएगी। तो ये भी एक रैंडम चीज़ है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से जो एरर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं,
उसको हम जो है रैंडम एरर कहते हैं। और ये जो रैंडम एरर है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा मेज़रमेंट करें, मान लिया कि 100 बार मेज़र करें या 10 बार मेज़र करें और उसके बाद उसका एवरेज लें, तो जो रैंडम एरर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब एरर के बाद में हमें एक और चीज़ जाननी जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? देखिए, कोई भी हम अगर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसकी एक लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि वो मिनिमम कौन सी क्वांटिटी है जिसको वो मेज़र कर सकता है। जैसे एक थर्मामीटर हुआ, उसके अंदर मिनिमम मान लिया वो 1 डिग्री टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। अगर आपने एक स्केल ली तो वो मिनिमम 1 मिलीमीटर को मेज़र कर सकती है। आपने अगर वर्नियर कैलिपर्स लिया तो मिनिमम 1 मिलीमीटर के भी 10वें पार्ट को मेज़र कर सकती है। आपने अगर स्फेरोमीटर लिया तो वो 1 मिलीमीटर के 100वें पार्ट को मेज़र कर सकता है। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की एक लीस्ट काउंट होती है। इसका मतलब कि वो कम से कम कितनी डिस्टेंस को या टेम्परेचर को या किसी भी यूनिट को कितने एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है, और उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और ये जो लीस्ट काउंट होती है, हम एरर को उससे कम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लिया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, तो आप उससे जब मेज़र करेंगे तो उसमें मिनिमम एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम 1 मिलीमीटर की तो रहेगी ही रहेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स आपने लिया और वर्नियर कैलिपर्स एक डायमेंशन आपने मेज़र किया, जो डायमेंशन आपका निकला 10.11 सेंटीमीटर। अब ये वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर, और इस तरीके से जो मिनिमम आपका जो डायमेंशन इसमें एरर है वो 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो डायमेंशन आपने 10.11 मेज़र की, ये आपकी 10.105 से ज़्यादा है और 10.1145 से कम है, और इस तरीके से जो डिफरेंस है वो 0.01 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो उसमें एरर में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है, आप उससे ज़्यादा उसको कम नहीं कर सकते हैं। अब जो लीस्ट काउंट एरर है हमारी, उस लीस्ट काउंट एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट जो एरर है उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उस मेज़रमेंट को कई बार करें। जब हम कई बार उस मेज़रमेंट को करते हैं और उसके बाद में उसका एवरेज लेते हैं तो लीस्ट काउंट एरर कम हो जाती है, क्योंकि जो रैंडमनेस है कि कभी हम ज़्यादा ले रहे हैं कभी कम ले रहे हैं, वो धीरे धीरे करके मिनिमाइज़ हो जाती है जब हम उसका एवरेज लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो एरर्स हैं उसको कम कर सकते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एरर क्या होती है और हम उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, ये चीज़ें हमने सीखी। और उसके बाद में हम इस चैप्टर को आगे जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग द वीडियो।